हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचिदीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग कल से ही कंटिन्यू हुआ है। अभी मैं यहाँ पे दूध बना रही हूँ और बाबू को कितने बार दूध देती हूँ, कितने बार खाना देती हूँ, सब कुछ इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। और बाबू का रूटीन लगभग पूरा सेट हो चुका है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ वैसा नहीं होता, नहीं तो एकदम टाइम टू टाइम ऐसे हो गया है। तो आज मैं शेयर करूँगी बाबू का फुल डे, कब कब सोता है, कब कब खाता है, पीता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है। साथ ही साथ माइलस्टोन के बारे में बताऊंगी, जैसे कि चलने वगैरह के बारे में भी बताऊंगी, शेयर करूंगी। साथ ही साथ जो मेरा डेली व्लॉग होता है, जो मैं करती हूँ, वो तो खैर है ही, ऐसा नहीं है कि एकदम बाबू के पर्पस से ही वीडियो बनाया तो इसमें सिर्फ बाबू का है, ऐसा नहीं है। नॉर्मली सब कुछ है, लेकिन बताऊँगी क्योंकि कुछ कुछ दिन पर मैं बताते रहती हूँ, 2 वीक 3 वीक 4 वीक ऐसे करके मैं बताते रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी पिला रही हूँ, अभी दूध पिलाने में थोड़ा टाइम है क्योंकि दूध अभी गर्म है। हे गाइस, सो अभी मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगा है एक चीज़ को। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं मीठी को ज़्यादातर नहीं पढ़ाती हूँ, मैं कभी कभी ये पढ़ाती हूँ, ज़्यादातर इसके पापा इसको पढ़ाते हैं। और अभी कुछ दिन से मेरा भाई यहाँ पे है तो वो होमवर्क कराता है, तो मुझे कम ही मौका मिलता है इसको पढ़ाने का क्योंकि मैं बाबू में ज़्यादा बिजी रहती हूँ। इसको ज़्यादा मतलब कि आप समझ ही सकते हो, अगर ऑप्शन है तो इसके पापा पढ़ा देते हैं, ऑप्शन नहीं रहता है, अगर कुछ ऑप्शन नहीं रहता है तो मैं ही पढ़ाती हूँ। तो अभी अचानक से ना ये ना 2-3 बार मैंने इसको बोला कि 1 से 10 तक ही लिख के दिखाओ, तो ये लिख के दिखा रही थी, तो कभी 5 छोड़ दे रही थी, कभी 6 छोड़ दे रही थी। तो अभी बस मैंने ऐसा किया कि बोला कि चलो पूरा लिख के, और बोले कि यहाँ से 1 से 10 तक लिखो। ये लिख के लाई ना, मैं सरप्राइज हो गई। पता है क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो दोनों का हैंड राइटिंग, यहाँ फ्लैश लाइट की वजह से थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा, देखो दोनों के हैंड राइटिंग में बहुत ही कम फ़र्क है, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब ये मेरा है और ये मीठी का है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हैंडराइटिंग से ज़्यादा सुंदर मीठी का हैंडराइटिंग है, जो कि अभी अभी लिखना स्टार्ट किया, जिसको अभी 1 से 10 तक मतलब कि आता तो है, मतलब कभी कभी ये हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है। और बताओ, मतलब हाँ वो अलग बात है कि हम लोगों को लिखने की आदत छूट गई है बहुत पहले, मतलब लगभग 2017 के बाद मैंने कुछ लिखा भी नहीं, मुझे ऐसा लगता है 2018 के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो 5-6 साल से मैं कुछ भी लिख नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी जो रहता है वो हैंडराइटिंग वही रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत आश्चर्य लगा यार, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो गोल गोल एकदम 8, 9, 6, 10 ये सब 5, 4 कितना सुंदर राइटिंग लग रहा है ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप लोग बताना, इन दोनों राइटिंग में ज़्यादा का फ़र्क नहीं है यार माँ बेटी के राइटिंग में। तुमने सरप्राइज़ कर दिया बेटा, बहुत अच्छे से लिखी हो तुम, इसी बात पर डांस करके दिखा दो। डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का, तुम भी कृष्णा डांस करो, डिंक चिक्का डिंक चिक्का डिंक चिक्का कर करो। क्लैप 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 करो, क्लैप क्लैप करो, क्लैप क्लैप क्लैप। देखो ना बाबू कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो शाम के टाइम में अभी यही सब करती हूँ, जैसे हमारा चाय होता है, बाबू का दूध होता है, बाबू जब दूध पी लेता है तो बहुत अच्छे से खेलता है। शाम के टाइम में ऐसा होता है कि ये बहुत अच्छे से खेलता है और सुबह के टाइम में बहुत अच्छे से खेलता है। उसके बाद ये मतलब कि अभी मैं इसका मतलब रूटीन बताती हूँ, जैसे सुबह में ये सवेरे उठ जाता है एकदम 6-7 बजे तक तो उठ जाता है। उसके बाद जैसे इसका कुछ भी मैं तब नहीं करती हूँ, सिर्फ मीठी का करती हूँ 8:30 तक, जब वो स्कूल चली जाती है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, इसका काम करती हूँ, कभी मालिश पहले कर देती हूँ तो कभी पहले दूध पिला देती हूँ, ये फिक्स नहीं है, कभी पहले दूध भी पिला सकती हूँ, फिर नहाने से पहले मालिश कर दिया, कभी कभी रात में मालिश क्योंकि करवाता ही नहीं अच्छा से, तो मेरा भी इधर उधर हो जाता है टाइमिंग। तो इसका दूध का जो टाइमिंग है वो 9 के करीब में है, 9 बजे तक इसको भूख भी लग जाता है, सुबह से उठा रहता है, और जो मेरा फीड लिया हुआ रहता है तो रात से रात भर मतलब सुबह तक अगर लिया भी तो सोने से उठने से पहले लिया है, तो 9 बजे दूध ले लेगा, उसके बाद ये सो जाता है।
अब 9 से 9:30 के या 10 के अंदर में ये सो जाता है। कभी कभी ऐसा है कि गंदा कर लिया तो नहा भी देती हूँ, तो उसी टाइम नहा भी देती हूँ तो ये सो जाता है। और उसके बाद उस वो जो नैप होता है बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, मतलब समझो कि आधा से 1 घंटा, उससे ज़्यादा तो कभी नहीं। ये फिर उठ जाता है, उसके बाद ये सोता नहीं बिल्कुल भी और एकदम फ्रेश रहता है। थोड़ा सा पानी पीता है, फिर कुछ खाना खाया, जैसे दाल खा लिया, कोई अगर खा रहा है तो 1-2 ऐसे ही दे दिया, तो मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत चलता है। फिर मतलब 1 बजे के करीब में मैं इसको दूध देती हूँ, फिर 1 से 2 के बीच में देती हूँ। जैसा मतलब जैसे कभी खा लिया, कभी पानी पी लिया, तो पेट तो बच्चे का छोटा होता है, ऐसे ही भर जाता है। तो 1 से 2 के बीच में जो दूध पीता है ना, तो वो दूध पी करके ये फिर 3 बजे तक में ये सो जाता है, कम्प्लीटली सोता है। और वो नैप थोड़ा लंबा होता है, उस टाइम जो सोता है तो आराम से मतलब कि लगभग 5 बजे तक उठेगा। हाँ, लेकिन मैं वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए, क्योंकि मेरा रहना वहाँ ज़रूरी है, नहीं अगर रहूँगी तो पता नहीं कितना देर सोएगा, लेकिन मैं रहती हूँ। और उसके बाद फिर जब उठता है तो सीधा ये रात में सोता है और 9 बजे तक फिर इसको दूध चाहिए होता है। तो वो उसका लास्ट रहता है दिन भर के बाद, वो 9 बजे या फिर 8:30 में मैं एक बार दूध दे देती हूँ। उसके बाद ये आराम से सो भी जाता है कभी कभी, नहीं तो कभी कभी खेलते रहता है, पापा के आने तक वेट करता है कभी कभी। और लेकिन उस टाइम अच्छे से नहीं खेलता है, मतलब थोड़ा देर खेला, थोड़ा देर रोया, चिड़चिड़ा जैसे रहा, क्योंकि नींद तो आ रहा होता है। और उसके बाद ये आराम से सोता है। तो ये इसका सोने का और खाने पीने का टाइमिंग है। बाकी माइलस्टोन में तो आप लोगों को पता ही है, कृष्णा कभी 2 कदम चल देता है, कभी 3 कदम चल देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वीडियो ले सकूं, कब चल देगा ये पता नहीं है। कभी कभी मैं चेयर पे बैठी रहती हूँ और 2-3 कदम बाद बेड रहता है, और बेड पर किसी के पास इसको जाना है तो वहाँ से फट से 2-3 कदम कैसे फट फट बढ़ा देता है पता ही नहीं चलता, सब देखते ही रह जाता है। तो उस टाइम कैसे कोई वीडियो लेगा, और अगली बार पता नहीं होता है कि ये चलेगा, तो इसलिए कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। लेकिन ये थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया, लेकिन अभी इसको मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि ये चलने लगा है। जब मैं कैप्चर करके दिखा दूंगी तभी बोल सकती हूँ कि चलने लगा है। फिलहाल 1 साल में अभी 15 दिन ही बाकी है इसका, अभी भी नहीं चल रहा है। तो ये बात है। और मुझे लगता है कि, और हाँ, खाना भी ये बहुत अच्छे से नहीं खाता है, खाना भी इसको खा लेना चाहिए। जैसे 11 मंथ का हो गया, 11 मंथ का आई थिंक सारे बच्चे खा रहे होंगे, लेकिन ये भी नहीं खा रहा है बिल्कुल। बहुत छोटा बाइट, थोड़ा सा 1-2 बार खाता है, दाल कभी पी लेता है थोड़ा बहुत। तो ये जो इसका कमी है वो ये है, खाना नहीं खाता है। मैं कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत बच्चों का मैं देखती हूँ, बहुत सारे रेसिपी ट्राई लोग करते हैं और खाते हैं बच्चे, मुझे वो सपना लगता है, मुझे ऐसा लगता है बस दिखाने के लिए वो रेसिपी होता होगा, लेकिन जब देखती हूँ खाते हुए तो कैसे मतलब बोल सकती हूँ। सो नेक्स्ट डे हो चुका है और आज मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बस यहाँ पे सब्जी बना रही थी, सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन फिर कंटिन्यू नहीं कर पाई। उसके बाद नहाए धोई, खाना पीना हो गया, उसके बाद बाहर में ये दिखा रही हूँ बालकनी में ना, ये वाला जो पर्दा होता है ग्रीन वाला, जो धूप से प्रोटेक्शन मिलता है, वो लगाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है अब। और बाबू शाम में निकलता है एकदम 7 बजे तक, फर्श इतना ज़्यादा गर्म रहता है कि इसको खेलने में नहीं बनता है, तो इससे फ़र्क पड़ा है। जैसे जहाँ ये नहीं लगा हुआ है वहाँ का फर्श ज़्यादा गर्म होता है और इधर का फर्श कम गर्म होता है, तो मतलब खेलने लायक अब हो गया है। अभी मैं सोच रही थी कि अगर फिर भी गर्म रहा थोड़ा बहुत तो पानी 1 बाल्टी गिरा दूँगी तो फिर सही हो जाएगा, लेकिन नहीं है, ठीक है अभी खेल रहा है। ये लगाने से 2 दिन लगे हुआ हो गया, लगाने से असर हुआ है, फ़र्क पड़ा है। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े डाल रही हूँ, और मेरे यहाँ कपड़े का ही भंडार है, आई थिंक सबके यहाँ होता होगा, मतलब डेली ही कपड़ा धोना है और उतारना है, इतना डेली का रहता है यार। तभी एक बकेट मैं अलग से बनाई हूँ जो कपड़ा बिना फोल्ड किया हुआ है, धोया हुआ तो है लेकिन फोल्ड किया हुआ नहीं है। और अगर धोया हुआ कपड़ा आप इधर उधर रख दो तो वो धोया और बिन धोया एक ही लगता है और कचरा ही लगता है, तो इसलिए बकेट में डाल दो भाई, कैसे भी जब पहनना होगा तो निकाल के और आयरन वगैरह करके पहन लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं कपड़े अभी उतार रही थी और हाथ से अभी धोई हूँ कपड़ा, क्योंकि बहुत कम, कभी कभार ही हाथ से धोती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ हाथ से, क्योंकि कोई भी नहीं हाथ से आई थिंक ज़्यादा धोते होंगे, कुछ जो स्पेशल कपड़ा होता होगा तभी धोते होंगे, लेकिन ये स्पेशल कपड़ा नहीं है। मतलब अभी मीठी स्कूल से आती है तो 2 वैसे ड्रेस है, लेकिन कभी कभी स्कर्ट वगैरह मिट्टी जैसे गंदा गंदा लग जाता है, तो मैं दोपहर में इसको साफ़ कर रही हूँ। साथ ही साथ कुछ कुछ बाबू का पैंट्स वगैरह था, और हम लोग मतलब छोटा मोटा जो कपड़ा था वॉशिंग मशीन में, वैसे भी छोटा मोटा कपड़ा मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से नहीं साफ़ होता है, तो बस एक बाल्टी में थोड़ा सा सर्फ डालो और अच्छे से साफ़ कर दो और डाल दो। हाँ, लेकिन अंतर ये होता है कि सूखा हुआ जो रहता है मशीन का कपड़ा आधा पहले ही सूख गया रहता है, और हाथ से जो निचोड़ा हुआ कपड़ा रहता है वो अच्छे से नहीं सूखता है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अभी इतना ज़्यादा गर्मी है कि सूखने में कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी भींगा हुआ भी धो के सीधे डाल दो तब भी सूख जाएगा।
तो बस ये सब कुछ हो गया है। आज का दिन लगभग आधा हो ही चुका है। आधा के बाद मैंने कुछ शूट भी नहीं किया है, आज आराम की हूँ। और बाबू के साथ खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, उसका नया नया एक्टिविटी, डांस, क्लैप करना, ये करना, वो करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे जैसे जितनी भी माएँ हैं सबको बहुत अच्छा लगता है अपना बच्चा, मतलब कहा जाता है ना कि अपने बच्चे को बड़े होते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। ये सिर्फ कहावत नहीं है, सच में इसको बयान भी नहीं कर सकते हैं, कह भी नहीं सकते, इतना अच्छा लगता है। सो चलिए अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।